हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को महत्व को देखते हुए एनसीईआरटी का लगातार अध्ययन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सभी अच्छे टीचर्स हैं, सभी अच्छे लर्नर ये बोलते हैं कि बुनियादी तैयारी के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अभी फिलहाल रीट एग्ज़ाम आ रहा है, यूपीएससी, एमपीपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी का जानना, समझना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी का अध्ययन यहाँ पर कराऊंगा। फ्रेंड्स, आपको बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो उसी बात को मेरे ध्यान में रखते हुए लगातार वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी फिलहाल कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से मैंने लगभग 6 वीडियो अपलोड कर दिए, यानी 6 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अब आज 7वां चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल साधना शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, और मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, ठीक है, शुरू करते हैं अध्याय 7। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक ने एक बहुत बड़ा सम्राट था। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। युद्ध का त्याग किस लिए कर दिया था, ये सारी जानकारी आज अपन बेसिक रूप से समझेंगे। और उन्होंने जो शिलालेख अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, रोशन एक रुपये जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। जन्मदिन पर रोशन नाम की एक लड़की को दादाजी से उसे कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में दवा रखा था और उसे एक नई सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वे बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं। यानी रोशन नाम की इस लड़की ने जब नोट को छुआ तो उन्होंने फील किया कि दाएं तरफ गांधी जी के अलावा बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे, तो ये शेर किस लिए और क्यों बने और कैसे बने, ये वो जानना चाह रही थी। ठीक है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं शेरों वाला व्यस्तम शीत जो कि सारनाथ से लिया गया। तो आगे देखते हैं इसका डिटेल बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थर को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके लिए कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इससे पहले कि हमें ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कहीं विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते थे, यानी चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने की, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। और चाणक्य ने किस किताब की रचना की थी, अर्थशास्त्र की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए वंश किसको कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो उन्हें एक वंश का कहा जाता है। और मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, पहला चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानियों में से प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मानचित्र देख लीजिए कहाँ का इनका साम्राज्य था। ठीक है,
काले, जैसे कि उन्होंने बोला था जहाँ इनकी राजधानी थी तो वो काले गोले में, तक्षशिला में इनकी राजधानी थी, उज्जैन में थी, ठीक है। और आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे, उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं, भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। यहाँ देखो जहाँ भी इनकी शिलालेख मिले वो लाल बिंदुओं से चिन्हित किए गए, ठीक है फ्रेंड्स, देख लो आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अध्ययन करते हैं, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, यानी साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कार्य इकट्ठा करने वाले अधिकारी की भी जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन देख लीजिए, साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी पाटलिपुत्र यानी कि जो आधुनिक पटना, उसके आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे, इनमें से कहीं अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वशिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कहीं छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का भी नियंत्रण रखा जाता था, अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था इन जगहों पर स्थानीय परंपरा नियमों का भी माना जाता था, यानी कि जहाँ पर साम्राज्य का सम्राट का डायरेक्ट नियंत्रण था तो वहाँ अधिकारियों के थ्रू कर वसूला जाता था या उस क्षेत्र को देखरेख की जाती थी, और दूसरी जगह जहाँ पर नियंत्रण से उनके क्षेत्र से दूर है तो वहाँ पर प्रांतीय राजधानी बना दी, यानी उस प्रांत की राजधानी बना दी, जैसे कि उज्जैन उसका एक उदाहरण है, तो वहाँ पर सम्राट के अपने बच्चों को वहाँ पर गवर्नर बनाकर भेज दिए जाते थे, ठीक है, ताकि उस राज्य का संचालन अच्छे से किया जाए, ठीक है। और जो राजा लोग थे छोटे छोटे प्रांत के, तो उन पे अधिकारियों से कड़ी निगरानी रखवाई जाती थी ताकि वो कुछ गलत ना करे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कम्बल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। फ्रेंड्स, नजराना को एक बार देख लीजिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता हो तो उसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोग लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, यानी कि नजराना वो है कि जिसको कर के रूप में इकट्ठे किए जाते थे वो नजराना, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट सिक्के वगैरह ना देके और भी अन्य पदार्थ नजराने के रूप में दिए जाते थे और वो स्वेच्छा से भी दिए जाते थे। राजधानी में सम्राट का क्या रोल था? मेगनिस्त चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्कुस निकेटर का राजदूत था, यानी जो मेगनिस था वो किसका था? यूनानी राजा सेल्कुस निकेटर का राजदूत था। अब मेगनिस ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथी पर सवार रहते थे, यानी मेगनिस ने जो अपनी किताब में लिखा है वो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कुछ अंगरक्षकों को पेड़ों से लेकर चलते थे, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था।
राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे, यानी सिक्योरिटी रीजन से उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनके खाने को उनके खास नौकर विश्वास पात्र नौकर उस खाने को टेस्ट करते थे, इसके बाद खाना खाते थे। और वो एक कमरे में 2 दिन से अधिक नहीं सोते थे ताकि सुरक्षा लीक ना हो। और आगे देखते हैं पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र आधुनिक समय के जो पटना शहर के बारे में क्या है। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है, यानी पटना एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल पृथ्वी से घिरा है जिसमें 570 भुर्ज है और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर है। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्तासी से अलंकृत किया गया है, यानी काठ से बना और जिसको पत्थरों से अलंकृत किया सुशोभित किया गया। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने वसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें ये उम्मीद थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों के हाथी लकड़ी मधुर मोम जैसी चीज़ें ला करते हैं, यानी जो जंगल के इलाके में लोग रहते थे वो काफ़ी स्वतंत्र टाइप से थे। और वो क्या करते थे, मौर्य पदाधिकारियों मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी लोग होते थे उनको लकड़ी देते थे, मधु और मोम जैसी चीज़ें जो जंगल से मिलती थी वो उनको अधिकारियों को कर के रूप में दे देते थे और उनको संतुष्ट रखते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक क्या था कि एक अनोखा सम्राट था, महान सम्राट था, ठीक है। आप लोगों ने अशोक के बारे में बहुत सुना होगा, तो अशोक के बारे में थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, बिल्कुल सही बात। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मण लिपि में। अशोक ने क्या किया कि अपनी बातों को अपने मैसेजों को अभिलेखों में अलंकृत कर दिया जिससे कि आगे के लोग भी उनको देखें और अपने संदेश को पहुंचाए। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मण लिपि में उन्होंने किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अब कलिंग युद्ध, यानी अशोक ने युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। वो कब लिया, उनका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन किस प्रकार है, और उस कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने अभिलेख के माध्यम से अलंकृत भी किया, ठीक है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। यानी युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक ने एक उत्कीर्ण शिलालेख पर उत्कीर्ण करा के बताया कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों को बंदी बनाया और किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं जानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में हूँ, इसलिए उत्तीर्ण करूँगा कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो जो अशोक ने धम्म के बारे में उत्कीर्ण कराया वो इसलिए कराया कि मेरे बाद यानी उनके बाद उनके बेटे और बच्चे भी उस युद्ध से शिक्षा लें, ठीक है। यानी धम्म को अपनाएं, इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म देख लीजिए क्या है, धम्म को एक शब्द, धम्म संस्कृत शब्द यानी धर्म का प्राकृतिक रूप है, यानी धर्म ही धम्म है। धर्म संस्कृत शब्द है और जो धर्म का प्राकृतिक रूप है, ठीक है। आगे देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी कलिंग किस जगह का नाम है, यानी आधुनिक युग में उसका उड़ीसा नाम है, पहले उसके समय कलिंग नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्हें निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था,
अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों का मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने ये महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्हें धम्म को महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। यानी अशोक ने तो धम्म को धारण कर लिया था, लेकिन उनके साम्राज्य में लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले थे, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने थे, तो इस कारण से उनके साम्राज्य में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची रहती थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, धम के महापत नाम अधिकारी को नियुक्त किया और उन्होंने जाकर जगह जगह यानी धर्म यानी धम की शिक्षा देने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए और इसके अलावा उन्होंने अपने संदेश और मैसेज को कई शिलाओं पर स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। मतलब जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको पढ़कर सुनाया जाए, और इसके अलावा धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका जैसे देशों में अपने राजदूत भेजे। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चित्र देख लीजिए और चित्र के बारे में देखते हैं। उत्कृष्ट पुलिस वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। ये उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। और क्या किया अशोक ने, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों को चिकित्सा की व्यवस्था की है। अशोक ने क्या किया, चलने फिरने के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, रहने टहने के लिए विश्राम गृह, रेस्ट हाउस बनाए और उन्होंने मनुष्य जानवरों के लिए हॉस्पिटल यानी चिकित्सालय भी बनवाए। आप ये देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ संदेश दिए, उनको भी उत्कीर्ण करवाए थे। देख लीजिए उन्होंने क्या संदेश दिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, ये वे अपने यानी अशोक ने कहा कि लोग तरह तरह के कर्मकांड करते हैं, जैसे बच्चों के जन्म होने पर कुछ कार्यक्रम करेंगे, शादी वगैरह होने पे कुछ कार्यक्रम करेंगे, इसके अलावा और तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। तो ये अशोक ने इन रीतियों को अर्थहीन बताया, और इसके अलावा अगर वो कुछ और करे तो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्यों कहा, देखते हैं आगे। ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा श्रवणों को दान देना। अशोक ने कहा है कि ये कर्म कांड करने की बजाय अगर आप अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और बड़ों का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें और सभी जीवों पर दया का भाव रखें तथा ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना, ऐसा उन्होंने कहा। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यानी सम्राट अशोक ने कहा कि अपने धर्म की प्रशंसा मत करो और दूसरे के धर्म की निंदा मत करो, क्योंकि ये दोनों ही बात गलत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही धर्म को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वास और सुख समझने की कोशिश करते हैं, उनका आदर करना चाहिए। और भारत के आगे देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि धर्मा देश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाकर उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रशांत सिंह है।
अशोक के संदेश उन अशोक को बताओ जो आज भी प्रशंसित है। लिपि देख लेते हैं। आधुनिक भारत का ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मण लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपि में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, पहला अक्षर आरंभिक ब्राह्मी, दूसरा देवनागरी, फिर तीसरा बांग्ला, मलयालम और तमिल, इस तरह ये आ अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, अन्यंत्र जानकारी देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों के चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया, यानी चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक है, चीन की दीवार बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से उसकी रक्षा करना था। ठीक है, अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही है। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, यानी देखो अगले 2000 वर्षों तक इसका काम चलता ही रहा, क्योंकि वहां पर अलग अलग साम्राज्य बदलते रहे और इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, तथा पत्थर और ईंट से बनी इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है, यानी इतनी चौड़ी है कि सड़क ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ठीक है, इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन और सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्नता, ऐसी आपको कल्पना करना है। तो ठीक है फ्रेंड, ने इस पार्ट का विधिवत ढंग से अध्ययन किया, बीच बीच में मैंने एक्सप्लेन भी किया। आपको इसी तरह के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब एनसीईआरटी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप भी लाइक करें और अपने दोस्तों को सेंड करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।